ब्लॉक सुचेतगढ़ के सीमावर्ती गांवों में लगातार हो रही बिजली की आघोषित कटौती को लेकर सीमावर्ती लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने वीरवार को सतोवली गांव में स्थित बिजली ग्रिड स्टेशन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और क्षेत्र में बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से ठप कर दी और बिजली के ग्रिड स्टेशन को ताला भी लगा दिया। सीमावर्ती क्षेत्र के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बिजली सप्लाई पूरी तरह से सुचारू नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। एदा मसला जड़ा गवर्नमेंट ने हल करना चाहिए कि बत्ती कि अगर अस गवर्नमेंट की बत्ती का किराया नहीं दिया दिया तो गवर्नमेंट ओदे पर एक्शन करे, इंदे कनेक्शन कटा। लेकिन जड़े गना अस लोग महीने का किराया दिया दें, त्रै त्रै महीने का साड़ा किट्ठा किराया आवा दा, अस किराया दिया दें, पेड़ करा दें अस बत्ती का किराया, ओदे बावजूद बत्ती असें गी जड़ी टाइम की पूरी बत्ती जड़ी नहीं मिले दी। एक घंटा बत्ती दिया दें, एक घंटा कट करा दें। तुस दसो कि हर आदमी दे विच जड़ा ऐटोमैटिक दा कट नहीं है, तुसी हर 10 मिनट के बाद जाकर बत्ती की बढ़ाना पैंदा जिसलै बत्ती आती है। एक आदमी जड़ा है ग्रां दा जड़ा सॉरी जड़ा मतलब एक आदमी जड़ा सियाणा आदमी है वह तो पक्खी झोल कर आया तो टाइम कट लगा, दो दिन का चार दिन का छे दिन का दस दिन दस दिन का बच्चा कियां जीवित रह सकता है। तुस दसो कि घर के बच्चे जी ये समस्या हल नहीं हो रही है, उस समस्या की हल करने वास्ते जनाब साड़ी रिक्वेस्ट है जड़ा भी इहदे कन्ने करसन ने एसडीएम नूं फोन किया, तहसीलदार साहब इत्थे नायब तहसीलदार साहब आन और मौके की हालत देखन और साड़ी बत्ती का जड़ा मसला हल करन। अज पूरे इलाके की बत्ती असीं कट दित्ती है कि कुछ इलाके दे विच भी बत्ती जी नहीं जाग, जब तक सारा मसला हल नहीं होगा अस बत्ती कुदा नहीं जान देंगे, अस आपे भी इस कष्ट दे विच रहांगे। अगर अस बत्ती नहीं जांदा साडे घर बत्ती तो नहीं जानी है, सारे इलाके की बत्ती जी असीं घर पूरे वार्डर की बत्ती जी कट कर दित्ती है। तो वाली जो स्टेशन है यहाँ पर हमारे चार पंचायतें पड़ती हैं, काफ़ी बार हम यहाँ इकट्ठे होकर के अपनी समस्या बिजली डिपार्टमेंट के आगे रखी लेकिन कभी भी हमारी कोई डिमांड किसी ने पूरी ना की, ना ही हमारी किसी ने सुनी है। अभी हम सभी पंचायतों में और सभी पंचायतों के लोग जो हैं वो इतने परेशान हो चुके हैं कि वो बोल रहे हैं कि अपना घर बुआ जुआ छोड़ करके बिजली डिपार्टमेंट के जो दफ्तर है उधर ही जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि उधर तो हमारे से ना कोई बिजली आती है, ना कोई मशीन चलती है, ना कोई हैंडपम्प चलता है और इतनी फसल भी सूख चुकी है और इतनी परेशानी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने मजबूर लोग होकर के यहाँ पर हमने टेंट लगा लिया है और हमने इतना सोच लिया है कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा यहाँ से टेंट नहीं उठाया जाएगा। ये पूरे पंचायतों का चार पंचायतें हैं सभी का ये फैसला हो चुका है और यहाँ पर पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है, खाने का बंदोबस्त भी यहाँ किया जा रहा है और रात को यहाँ पर जितनी भी पंचायतें के जितने भी लोग हैं और सभी बच्चों के समेत जितनी औरतें हैं जितने मर्द हैं यहाँ पर आकर के ठहरेंगे बिजली घर में। और जहाँ पर कोई अफसर आता है और ऐसे दो दिन के लिए 15 दिन में तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, पीछे यहाँ पर हम इकट्ठे हुए उन्होंने बोला कि हमारा एक महीने में डेढ़ महीने में मसला हल होगा, लेकिन एक बारिश पड़ने के बाद यहाँ थोड़ी सी बिजली ठीक हुआ उसके बाद ऐसा ही हुआ वो भी भूल गए, लेकिन ऐसा हम अभी नहीं करने देंगे। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा और हम जाकर अभी इधर बैठ रहे हैं थोड़े दिन के लिए, अगर ऐसा मर नहीं हुआ तो हम आरसपुरा चौक में यहाँ दलीज चौक में यहाँ पर पूरा धरना लगाएंगे, पूरा रोड ब्लॉक करके रख देंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। जय हिंद जय भारत। बिजली डिपार्टमेंट जय बिल्ला जय कुत्ता जय कुत्ता जय कुत्ता नहीं है, एक एक घंटा बिजली आती है वो भी 10 मिनट बिजली नहीं छटते, बाद में एक घंटा एक बंद कर लेते हैं, एक घंटे के लिए छटते हैं फिर 10 मिनट बिजली छटते हैं, पूरा दिन बंद ही रहती है बिजली। रात को भी लोग परेशान हैं, वो पशुओं को पानी पिलाने के लिए भी परेशान हैं और बाहर खेती भी सूख गई है पूरी। कहना यह चाहते हैं जनाब कि जो चार पंचायतों ने जो रिसीविंग स्टेशन लगे था सतवाली के इतने बिल्कुल बत्ती नहीं आ रही, एक एक घंटा चलती है, एक घंटा बत्ती आती है एक घंटा बंद होती है, लेकिन जोड़ा घंटा साढ़ लोगों के वास्ता होंगे वह भी 15 मिनट बत्ती आती है 45 मिनट वो भी बंद रहती है।
अज लोगों तंग पै पै गया इतने धरना देने की कोशिश की है कि अगर यह मसला साड़ा सालव नहीं होया तो जिन्हें अफसरों के घर के बत्ती जा रही उन्हें भी कनैक्शन कट दिए जाएंगे। अज की स्थिति यह है इस वे बीजेपी सॉरी BSF की भी बत्ती इतों बंद कर रही है, आम पब्लिकली भी बत्ती बंद है। वह कारण यह है कि अफसर इतना मौके पर आन गया हालत दिख हालत दिखे साड़ा मसला सालव करे तो बत्ती अगर छड़नी है, वरना यह धरना उठने वाला इतों नहीं है। रात बच्चों की बड़ी मुश्किल निकलती है, छोटे बच्चे ने एक तुम्हें पता है कि बार्डर एरिया सारा और ये चार पंचायतों ने चार पंचायतों का पैसा कट के जोड़ा डिवेलपमेंट का हा वो सरपंचा तू लगा के इतने ट्रांसफार्मर वास्ते लिया गया है पैसा। सरपंच और खड़े ने इन्हों पता है कि पैसा जोड़ा है वो पंचायत